अब मैं रिवील कर ही देता हूँ कि कल कौन आने वाला है हमारे घर पे। तो हमारे घर पे आने वाले हैं फ्लाइंग बीस्ट मिस्टर गौरव तनेजा सर। अब काफी लोगों को ये सुन के बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होगा, क्या बोल रहे हैं फ्लाइंग बीस्ट मेरे घर पे। तो जो हमारा प्ले बटन आया ना, वो मैं उन्हीं से अनबॉक्स कराऊंगा जब वो कल आएंगे। तो फिलहाल मार्केट चलते हैं और कुछ शॉपिंग वगैरह करके लाते हैं। और जैसे कि आपको पता है, हम सिंपल से हैं यार, हमको कुछ ज्यादा वेलकम करना भी नहीं आता किस तरह से करते हैं। बट अंदर से इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, मेरे को 2 दिन पहले ही चल गया था पता कि वो आने वाले हैं, उन्होंने बता दिया था। और 2 दिन से मेरे को नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि और हमारे घर पे जिनसे लोग मिलने के लिए तरसते हैं, जिनके घर ढूंढते हैं यार, वो हमारे घर पे आ रहे हैं। मतलब क्या अचीवमेंट है यार। मतलब थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग ऐसे पॉसिबल हो पाए। जब उनका मैसेज आया था ना मेरे पास, तब मेरे को इतना ऐसा फील हो रहा था ना, लेकिन वो मेरे लिटरली घर पे आ रहे हैं, जहाँ पे भी मैं यहाँ पे हूँ यहाँ पे कल वो होंगे। आज मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ करके दिखाया है, आज लग रहा है, आज काफ़ी प्राउड फील हो रहा है खुद पे बहुत ज़्यादा। साथ में आपको फूल भी दिखा रहा था कि मैं क्या करूँ, तो मैंने भी सोचा है कि मैं बनाऊंगा पोर्ट्रेट रश्यू का, वो भी बड़े साइज पे। तो मैंने पेपर निकाल लिया, देखो सर और मैम का तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, मैंने बनाया था। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको पता होगा, वो उनको गिफ्ट करेंगे, उनका रिएक्शन देखेंगे। और रश्मि का बनाते हैं, मेरे पास पूरी रात है आज की बनाने के लिए, क्योंकि कल तो वो आ रहे हैं ना, तो आज पूरी रात जाग के मुझे बनाना पड़ेगा। बट कोई बात नहीं, वैसे भी नींद किसको आ रही है, 2 दिन से नींद आई नहीं है। तो अभी मैं हूँ हमारे मंदिर में, और यहाँ पर रखा है हमारा गोल्डन प्ले बटन, जो कि लाने के बाद, अब मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ रख दिया था। तो अब कल ही इसको अनबॉक्स करेंगे जब फ्लाइंग बीच सर आएंगे। फिलहाल आज ये यहीं पड़ा रहेगा। तो भगवान जी ख्याल रखना मेरे गोल्डन प्ले बटन का, आपको सौंप के जा रहा हूँ, कल सुबह ले जाऊंगा। आपकी ही कृपा है, आपका ही आशीर्वाद है जो हमको ये मिल पाया, आपको शत शत प्रणाम। तो चलो ठीक है, मिलते हैं सुबह, बाय बाय। तो अभी पीयूष को खतरनाक वाली डांट पड़ रही है क्योंकि ये हरकतें कर रहा है, दूध नहीं पी रहा है। पापा जी मुंह गए, अब आप भी सो जाओ, कल सुबह फ्लाइंग बीच से मिलना है। आर यू एक्साइटेड फ्लाइंग बीच से मिलने के लिए? मैं बहुत ज्यादा हूँ। रात के 10:30 बज चुके हैं, एडिटिंग भी नहीं हुई है। एडिटिंग तो चलो कल करूंगा, मैं एक दिन आगे चल रहा हूँ, बट ये ड्राइंग का क्या होगा, तो मेरे पास कुछ ही घंटे बाकी हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं इसको। तो अभी मैंने काम स्टार्ट तो कर दिया, अराउंड 2 घंटे से कर रहा हूँ, और काफ़ी जल्दी जल्दी हाथ चला रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत बहुत ज़्यादा कम है मेरे पास। तो होपफुली ये रस्सी जैसी लग रही होगी। आईज नोज लिप्स मैंने बना लिए, फिलहाल शेडिंग कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। शेडिंग तो कर लिया है, अब मैं ब्लेंड कर रहा हूँ, फेस को स्मूथ करेंगे टिश्यू पेपर से। कमेंट करके बताना रस्सी का फेस लग रहा है या नहीं लग रहा, मैंने पूरी पूरी कोशिश की है एग्जैक्ट बनाने की। बाकी अगर किसी को सीखना है ना किस तरह से मैं बनाता हूँ, तो मेरे आर्ट वाले चैनल पे आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। महीनों लगते हैं सीखने में, सालों लगते हैं सीखने में, तो ओनली ट्यूटोरियल से नहीं होगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी आपको रेगुलरली। अभी टाइम हो रहा है 1:42, तो 2 बजने वाले हैं, और मैंने पोर्ट्रेट कम्प्लीट भी कर लिया इतनी जल्दी। तो ये है कम्प्लीट स्केच जो कि रश्मि का मैंने बनाया। तो कमेंट करके बताना लग रहा है या नहीं लग रहा, और ये साइज काफी बड़ा है। देखो मैं अगर पेंसिल रखूँ तो पेंसिल इतनी सी आती है। इतना बड़ा वर्क इतनी फास्ट मैंने आज तक नहीं बनाया, फर्स्ट टाइम ही बनाया, पता नहीं कैसे बनाया जल्दी जल्दी में, वैसे भी नींद भी नहीं आ रही थी। तो होपफुली कल ये सर को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एनीवेज फिलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, बिकॉज अब सोऊंगा, बिकॉज जल्दी भी उठना है सुबह, पता नहीं टाइमिंग नहीं पता कि कब आएंगे वो सुबह, क्या पता जल्दी आ जाएं दिन में, जब भी मुझे तो रेडी रहना पड़ेगा सुबह उठ के। फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना, एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइस जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।